कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्या बात में। फ्रेंड्स, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेमन यानी कि नींबू की। जी हाँ फ्रेंड्स, वही नींबू जो आज हमारी डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हम जब कभी मार्केट में नींबू लेने के लिए जाते हैं तो कुछ नींबू पे येलो या फिर ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स दिखते हैं हमें। हम उस समय वो सोच नहीं पाते और इग्नोर करके उसे ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम उस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, एक्चुअली में वो एक डिसीज़ है जो कि ऐसे फ्रूट्स पे होती है जिसमें साइट्रस एसिड होता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया और भी फल। तो ऐसी फलों पे वो डिसीज़ कॉज करके जिसका नाम है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर का मतलब होता है साइट्रस यानी नींबू या ऐसा कोई फल जिसमें साइट्रिक एसिड हो, और कैंकर का मतलब है उसे सड़ा देने वाला, यानी ये फलों को सड़ा देने वाली बीमारी होती है, इसीलिए इसका नाम साइट्रस कैंकर रखा गया। सबसे पहले यह चाइना से यूरोप और अमेरिका आई और ये अब इंडिया, जापान और जावा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया जो कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनस सिट्रा है, जो कि साइट्रस पे यानी कि ऐसे फल जिसमें साइट्रिक एसिड हो या फिर नींबू, इस पर इन्फेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अब इसे पहचाने कैसे। फ्रेंड्स, नींबू के पत्तों या फिर उसके जो स्टेम है और या फिर फलों में यह डिसीज़ पाई जाती है और धीरे धीरे करते करते ये पूरे पेड़ को ख़राब कर देती है। फ्रेंड्स, ये जो स्पॉट्स होते हैं ये इनिशियल स्टेज में येलो या फिर ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन जब इसकी मैच्योर स्टेज आ जाती है तब यह वाइट या फिर ग्रेनिश कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको वाइड स्प्रेड बैक्टीरियल डिसीज़ भी कहा गया है। फ्रेंड्स, ये ट्रांसमिटेड वाइंड और ये रेन के वाटर के कारण ट्रांसमिटेड होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये इससे बचा कैसे जाए। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा और सबसे असरदार इलाज यह है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है हमें उसे ही जला देना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा है, या तो हम उसमें कॉपर बेस्ड जो बैक्टीरिया साइड होता है उसका स्प्रे कराएं। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और आपका पेड़ फिर से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।